How to enable auto scrolling on iPhone and how to control fully your iPhone with your voice without touch your screen. आप सभी चेक कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ स्वाइप अप, मेरा आईफोन ऑटोमेटिकली स्वाइप अप कर देता है. इफ़ आई वॉन्ट टू प्ले दिस वीडियो देन आई विल से प्ले, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस वीडियो को प्ले भी कर देता है. स्वाइप अप कहने से स्वाइप अप करेगा, बैक कहने से बैक कर देगा. काफ़ी ज़्यादा कूल है दोस्तों. इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप सभी ऑटो स्क्रॉलिंग प्लस कंट्रोल कर सकते हो अपने आईफोन को विदाउट टच. ओके, सो होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे. आप सभी चेक कर सकते हैं, जस्ट मैं स्वाइप अप बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन जो है इस चीज़ को डन कर रहा है जिस भी चीज़ को मैं कराना चाहता हूँ. तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, अपने आईफोन की जस्ट सेटिंग्स के ऊपर जाना है. काफ़ी अमेजिंग है. फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर किसी भी ब्राउज़र पे जाके स्क्रॉलिंग करते हैं तो जस्ट वहाँ पे विदाउट टच आप उसको बोलेंगे, कमांड देंगे, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें करेगा. यूट्यूब जिस भी वीडियो को आपको वॉच करना है सब वो बता देगा. तो इसके लिए आपको जस्ट जाना है एक्सेसिबिलिटी पे. जाने के बाद आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाती है वॉइस कंट्रोल. जी हाँ, तो आपको वॉइस कंट्रोल पे जाना है. बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसको भी आपको एक्टिवेट करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉइस कंट्रोल को टर्न ऑन करना है, यानी कि इनेबल करना है. इनेबल करने के बाद जस्ट आप सभी नीचे देख सकते हैं लैंग्वेज एंड कस्टमाइज कमांड्स. आपको कस्टमाइज कमांड्स पे क्लिक करना है. जी हाँ, तो आप सभी सबसे पहले चेक कर लें, आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है. एंड देन यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कस्टम पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम पे टैप ऑन करें. कस्टम पे टैप ऑन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू कमांड बनानी है जो कि क्रिएट न्यू कमांड पे आपको क्लिक करना है. जी हाँ, तो आप क्रिएट न्यू कमांड पे क्लिक कर दें. क्लिक करने के बाद अब आपको देखने को मिल जाती है एंटर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है एक कमांड एंटर करनी है, तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है नेक्स्ट. ओके, जैसे आप सभी नेक्स्ट टाइप कर देते हैं देन आप सभी को देखने को मिल जाती है एक्शन. आपको एक्शन पे क्लिक करना है, देन चूज रन कस्टम. ओके, तो यहाँ पे आपको रन कस्टम शॉर्टकट पे क्लिक करना है. देन आपको यहाँ पे स्वाइप अप करना है, राइट. एंड देन आपको यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करना है. ओके, इतना करने के बाद जस्ट आप सभी यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर दें. इस तरीके से सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है, देन आपको बैक कर देना है. एंड देन आपको इस तरीके से बैक करें एंड यहाँ पे सेव कर दें. तो देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे एक कमांड सेट हो चुकी है. अब आपको इसी तरीके से दूसरी क्रिएट करनी है. क्रिएट न्यू कमांड पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आपको टाइप करना है बैक. ओके, तो इस तरीके से बैक टाइप कर दें यहाँ पे. जैसे आप टाइप कर देते हैं देन आपको यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है अगेन. ओके, एंड उसके बाद आपको रन कस्टम गेस्चर पे क्लिक करना है, सॉरी. ओके, तो यहाँ पे अब आपको इस तरीके से जो है स्वाइप अप टू डाउन जाना है. स्वाइप अप टू डाउन, ओके, इस तरीके से. देन आपको यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करना है. क्लिक कर देने के बाद अब आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है. सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद बैक करके अब अगेन आपको सेव करना है. एंड फाइनल और लास्ट आपको क्रिएट न्यू कमांड पे क्लिक करना है. एंड यहाँ पे आपको एक और कमांड देनी है, प्ले. ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करें एंड उस चीज़ को आप ओपन करना चाहते हैं, जस्ट प्ले लिखें एंड एक्शन पे जाएं इस तरीके से. देन अगेन रन कस्टम गेस्चर्स पे क्लिक करेंगे हम. इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी को दिखा देता हूँ मैं. ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक जो है टैप ऑन करना है. जस्ट एक टाइम आपको यहाँ पे टैप ऑन करना है. मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से. जस्ट सेंटर में आपको एक बार टैप ऑन करना है एंड उसके बाद स्टॉप पे क्लिक कर दें. क्लिक करने के बाद अब आपको सेव कर देना है. जी हाँ, तो अब सेव कर दें यहाँ पे. जस्ट एक टाइम आपको सेंटर पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा. एंड उसके बाद सेव कर दें एंड बैक कर दें. अब यहाँ पे हमारी टोटल तीन कमांड क्रिएट हो चुकी है, नेक्स्ट, बैक एंड प्ले. अब चाहे तो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन को. बैक बोलेंगे तो बैक चला जाएगा एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट बोलेंगे तो आपको स्वाइप अप करेगा, बैक बोलेंगे तो स्वाइप डाउन करेगा, राइट. तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बैक करता हूँ. फिर हम यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे. जिस भी वीडियो को आपको प्ले करना है जस्ट आप सभी, आपको मैं दिखाना चाहूँगा. यहाँ पे सबसे पहले बैक बोल देते हैं. आप सभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा हूँ तो ये स्वाइप डाउन कर रहा है. एंड इस तरीके से आप कंट्रोल कर पाएंगे फुली अपने आईफोन. तो चलो गाइस, अब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं इसको यूट्यूब पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे. फॉर एग्जांपल आप सफारी पे भी कर सकते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट मैं नेक्स्ट का बटन बोल रहा हूँ तो नेक्स्ट करते ये स्वाइप अप कर देता है एंड बैक बोलते ये स्वाइप डाउन कर देता है. एंड यदि मैं प्ले करना चाहता हूँ किसी वीडियो को देन मुझे प्ले बोलना है एंड ये ऑटोमेटिकली उस वीडियो को प्ले कर देगा. प्लस सेव, इसी चीज़ को आप सफारी ब्राउज़र पर भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी आर्टिकल को रीड कर रहे थे देन आपको नेक्स्ट बोलना है, वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन करेगा. एंड इसी तरीके से आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं. डन करें एंड एंजॉय करें. सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. थैंक यू.